आजमगढ़ की रहने वाली डॉक्टर निर्मला को मिला मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब। बता दें कि उन्हें 30 जून को बनारस में आयोजित कार्यक्रम में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब मिला है। इस खिताब से उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर छाई है। बता दें कि आजमगढ़ शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में 6 माह पहले ऑडिशन हुआ था, जिसमें डॉक्टर निर्मला का चयन हुआ था। इसके बाद उन्हें बनारस में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से लोगों ने प्रतिभाग किया था। डॉक्टर निर्मला ने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और लगन के चलते उन्हें आज ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुकाम को हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो जाए, उसकी मंजिल जरूर मिलती है। बधाई देने वालों में माधवी सिंह, सुजीत सिंह, डॉक्टर राजन इत्यादि लोग मौजूद रहे। बता दें कि 30 जून को महमूरगंज मार्ग स्थित माहेश्वरी भवन में ग्लैमर्स प्रोडक्शन के बैनर तले आयोजित मिस्टर एंड मिसेज एशिया सीजन 4 का रंगारंग ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने मॉडलिंग रैंप वॉक किया। साथ ही आकर्षण का केंद्र रही हीरा मंडी थीम पर मॉडल्स द्वारा कैटवॉक भी किया गया। बता दें कि आजमगढ़ की डॉक्टर निर्मला को इस उपलब्धि पर पूरे शहर से प्रशंसा मिल रही है। मैं सबसे पहले तो मैं पूरे आजमगढ़ को अपना तहे दिल से नमस्ते बोलती हूँ, ठीक है। और मेरा नाम डॉक्टर निर्मला प्रसाद वर्मा है और मैं यहीं की आजमगढ़ की स्थायी निवासी हूँ। और ये जो भी मतलब यहाँ पे भी प्रोग्राम हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजर मतलब श्रीमती अनामिका सिंह हैं। अभिया हाँ महिला संस्था की तरफ से सारा प्रोग्राम रखा गया है और मैं उसमें एक कार्यकर्ता समाज सेविका ही हूँ और काफ़ी उनके सपोर्ट से और सारी चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और दूसरी चीज़, ये जो प्रोग्राम हुआ था मतलब इसका ऑडिशन हमारा मतलब 6 महीना पहले इसी आजमगढ़ में हुआ था और इसका फाइनल जो है वो बनारस में ग्लैमरस प्रोडक्शन के तहत हुआ है 30 जून को। इसका ग्रैंड फिनाले जो था 30 जून को था। एक तरह से मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जीरो क्या माइनस से मेरी शुरुआत हुई है और मैंने काफ़ी संघर्ष से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो मैं महिलाओं को स्पेशली ये संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब आप सचमुच वाकई शक्ति का एक रूप हो, बस अपने आप को आप लोग पहचानिए और संघर्ष से कभी आप लोग डरिए नहीं और अपनी प्रतिभाओं को, अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है तो उसको निखारने का हर संभव प्रयास करिए अपने हौसले के साथ, ठीक है। आप अगर सक्षम है, आप करने की ताकत रखती हैं तो रास्ते अपने आप आपके लिए खुलते चले जाएंगे, जो कि मेरे साथ हुआ है। आपका ख्याल कब आया आपको मिस इंडिया बनने का? सबसे पहले तो ये था कि मतलब ये सपना तो मेरा था बचपन से एक तरह से था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ कह लीजिए चाहे जो भी चीज़ें नहीं हो पाएँ, लेकिन 2 साल पहले यहाँ पे मिसेज आजमगढ़ का प्रोग्राम एक रखा गया जिसमें से मैं एक मतलब बेस्ट पर्सनालिटी का मुझे एक खिताब मिला था। तभी से मेरे अंदर थोड़ा सा और भी जुनून हुआ कि नहीं मुझे, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ और मैं करूँगी। फिर आजमगढ़ महोत्सव में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम फाइनल तक पहुँचे थे। उसके बाद से फिर ये चीज़ आई सामने तो इसको मैंने किया और काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी लेकिन मैं सफल हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपलब्धियों में आपके साथ कौन कौन रहा, सहयोग किया? सबसे बड़ा सहयोग तो मैं श्रीमती अनामिका सिंह को उनको धन्यवाद स्पेशली बोलती हूँ, जो भी उनकी संस्था, लेकिन स्पेशली वाकई वो काफ़ी कोऑपरेटिव महिला और मुझे काफ़ी प्रोत्साहन उन्होंने दिया मुझे और जिसकी वजह से मैं काफ़ी प्रोत्साहित हुई। और एक तरह से आप ये सोचिए कि मैं चल रही थी, मुझे पीछे से सपोर्ट दे रही थी कि नहीं तुम कर पाओगी, बहुत अच्छा करोगी, और साथ में वहाँ तक पहुँची। और वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर थे स्पेशली वहाँ के जो फाउंडर हैं शहबाज खान, वो काफ़ी कोऑपरेटिव रहे और काफ़ी उन्होंने मेरा सहयोग किया। वहाँ के सारे स्टाफ ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जैसे कि हमको ये मतलब हम तो एक था हमारे अंदर कि भैया इतना बड़ा कंपटीशन हम कैसे इसको क्रैक कर पाएंगे, लेकिन वहाँ के जो भी जितने भी उसके वो थे लोग, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इसका ऑडिशन हुआ था आजमगढ़ में ही हुआ था, करीब 3-4 महीने पहले हुआ था डिलाइट पार्क में, उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी और इसके बाद यहाँ पे फिर मैं फाइनल में पहुँची। कितने देशों में तुम भाग लिया था जिसमें जी? से कहाँ कहाँ से महिलाएं आई थी? मतलब पूरे पूरे इंडिया से थे लोग वहाँ पे, ठीक है। यूपी से भी काफ़ी लोग थे, मध्य प्रदेश के थे, उड़ीसा के थे, दिल्ली नोएडा से थे, कोलकाता से भी थे, तो पूरे देश के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। किस तरह की चुनौतियाँ मानती हैं ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए? देखिए मेरा मानना है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरे लिए चुनौती आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है।
जब तक आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगी ना तो कोई आपका कहीं सहयोग करने वाला है ना कुछ, इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए, अपनी जो आपकी इच्छा शक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाइए, आप कुछ भी कर सकती हैं। जब आप मजबूत बनेंगे तो आपके लिए सहयोगी भी बहुत आपको साथ देने वाले मिलेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझसे ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था, स्पेशली मेरे लिए क्वेश्चन था वहाँ पे कि मैम आप एक पेरेंट्स के रूप में बताइए कि आप अपने बच्चों से क्या सीखती हैं। ठीक है, तो जनरेशन की बात यह है कि सीखने के लिए तो बड़ी बात, हम टेक्नोलॉजी में तो अपने बच्चों से बहुत पीछे हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।